पिपरिया वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कुछ बंदिया क्षेत्र से एक युवक को करीब 1 किलो जंगली सुअर के मांस के साथ पकड़ा गया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। पिपरिया में पदस्थ रेंजर B.R. पदाम के अनुसार डायल 100 पर ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल साजिद अली व पायलट माखन से सूचना प्राप्त हुई कि रायखेड़ी टोला के पास में जंगली सुअर का मांस कटा हुआ बेचा जा रहा है। तुरंत टीम बनाकर मौका स्थल पर पहुंचे, जहां पर एक महिला के घर के पीछे आंगन में लखन बाथरे निवासी बेनर्जी कॉलोनी को सुअर के मांस के साथ पकड़ा गया है, जिसे पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया है कि सुअर उसी के द्वारा लाया गया है और साथ ही आसपास पूछताछ कर मांस को जब्त कर कार्रवाई की गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में रेंजर B.R. पदाम, राजेश पटेल, वन रक्षक नंद किशोर अहिरवार और रामकृष्ण दुबे व डायल 100 चालक माखन व प्रधान आरक्षक साजिद अली की अहम भूमिका रही। क्या हुआ कि सुबह सुबह 10:30 बजे के करीब मेरे पास 100 डायल का संदेश आया कि सर रायपुरा टोला में कुछ बंदिया मोहल्ला से थोड़ा आगे एक सुअर कटा हुआ है। तो मैं तत्काल टीम बना के वो वहाँ से तत्काल टीम को रवाना किया। वहाँ मौके पे मिला कि एक जंगली सुअर का कटा हुआ सिर था, कुछ मांस था, किलो तराजू था। मौके पे लखन बाथरे को मौके पे मिला तो उससे पूछताछ किया, उसने अपना अपराध स्वीकार किया, कबूल किया उसने। उसके पश्चात हमने आसपास के क्षेत्र में और पूछताछ किया। उसके पश्चात राजा कुछ बंदिया का मकान था, उसके पीछे हमने जब्ती की कार्रवाई किया और अभी और जांच चल रही है और इस प्रकरण को हम कम पूर्ण बनाकर और न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।